टॉपिक है अपना ग्रेविटेशन। जो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपना गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, जिसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ ऑफ, हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ की। शुरुआत करते हैं अपन न्यूटन्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इन्होंने क्या कहा, अगर दो बॉडी जिनका मास है m1 और m2, तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या बता रही हूं मैं, ये लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, दो बॉडीज हैं जिनका मास है m1, दूसरी का मास है m2, जिनके बीच की डिस्टेंस है दोनों की r, तो उनके बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो होगा g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पर जो g है उसकी वो क्या है, यहाँ पर g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये g जो है वो यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हमने क्या बताया, हम यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे मैंने बताया जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10^11 -11, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है क्या कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की वजह से, अगर दो पिंड है, अपन ने जो दो मास लिए थे m1 m2, इनमें से एक अर्थ है, इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, ग्रेविटी जी। अगर हम बात करें, क्या बोला मैंने, कि अगर इन दोनों जो मास की ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक जो है वो है पृथ्वी यानी अर्थ, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो होता है जी यानी कि ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपको ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन देखेंगे इस जी की वैल्यू पर क्या क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें कि अगर हम जो धरातल है उससे अगर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली जी की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम पृथ्वी की जो सतह है यानी सरफेस है उससे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, दोनों केस में क्या होगा, जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। नेक्स्ट जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है कहां पर, पोल्स पर। जी की वैल्यू मैक्सिमम है कहां, पोल्स पर, यानी ध्रुवों पर मैक्सिमम वैल्यू है जी की, जबकि जी की मिनिमम वैल्यू है वो है इक्वेटर पर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर मिनिमम वैल्यू है किसकी, जी की, जबकि मैक्सिमम वैल्यू है कहां, पोल्स पर। नेक्स्ट अगर एग्जाम ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ ले कि मैक्सिमम वेट कहां फील होता है, तो मैक्सिमम वेट, क्योंकि वेट क्या होता है, mg, अगर जी बढ़ा हुआ है तो मैक्सिमम वेट फील होगा पोल्स पर, और मिनिमम वेट फील होता है कहां पर, इक्वेटर पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें कि पृथ्वी की जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है पृथ्वी की, अगर वो बढ़ा दे, जैसे हमने बात बताया यहाँ पे ओमेगा जो है पृथ्वी की स्पीड है, इसको हमने बढ़ा दिया, पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड जो है, घूर्णन गति है, उसको अपन ने यहाँ पर कर दिया इंक्रीज, ओमेगा को इंक्रीज किया, तो हमारे क्या याद रखना है, ओमेगा बढ़ने पर जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जी ओमेगा की वैल्यू बढ़ाने पर
जी की वैल्यू कम होती जाएगी। वही अगर उल्टा करें अपन, स्पीड को करें कम, तो जी की वैल्यू होगी इंक्रीज। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखे कि हमारी ग्रेविटी किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट देखा किसका, सरफेस से। अर्थ की जो सरफेस है उससे अगर हम अपवर्ड मूव करेंगे या डाउनवर्ड, तो हमेशा जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो रिड्यूस होगी। सेकेंड, पोल्स पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। अगर जी की वैल्यू मैक्सिमम है कहां, पोल्स पर, मिनिमम है कहां पर, इक्वेटर पर। ओमेगा बढ़ा दे अगर अर्थ का तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर रिड्यूस कर देंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में बेसिक यहां पर पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको अपन ने बताया, जहां पर जी m1 m2 / r2। m1 m2 के दो पिंड या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और उनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ Nm²/kg². इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, अगर इनमें से एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कहलाता है ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू है 9.8 m²/s². फिर अपन ने इफेक्ट्स देखा उस जी पर। हमने बोला मैक्सिमम वैल्यू पोल्स पर, मिनिमम वैल्यू इक्वेटर पर। अगर सरफेस से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जी की वैल्यू रिड्यूस होगी, अगर ओमेगा बढ़ाएंगे तो भी जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, केपलर के नियम। नेक्स्ट अपन ग्रेविटेशन में ही आगे बढ़ते हैं। बहुत बार एग्जाम में केपलर के जो नियम है वो पूछ लिए जाते हैं। तो केपलर का जो नियम है उसके तीन स्टेटमेंट है जो अपन को ध्यान रखने हैं, जो किसके रिगार्डिंग दिए थे। पहले तो ये ध्यान देखते हैं, जो कि केपलर के नियम है, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, केपलर के नियम की। फर्स्ट थिंग, जो केपलर के रूल्स हैं वो किसके लिए हैं, वो है प्लेनेट्स के लिए। प्लेनेट्स के मूवमेंट के लिए हमें यह बात सबको पता है कि सन के अराउंड सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट्स मूव करते रहते हैं, कि चारों तरफ मूव करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि जो प्लेनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो कौन से पाथ में लगाते हैं, वो लगाते हैं इलिप्टिकल पाथ में। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला, कौन से पाथ में लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। प्लेनेट्स जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। सेकंड जो पॉइंट इन्होंने कहा केपलर ने, वो इन्होंने कहा कि जितने भी प्लेनेट्स हैं, हर प्लेनेट का जो एरियल वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। एवरी प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी है, क्षेत्रीय वेग है, वो रहेगा कांस्टेंट। ये इनका सेकंड स्टेटमेंट था। इन्होंने क्या कहा, जो कि एरियल वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि जो रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है टी, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है, किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो उस प्लेनेट की सूर्य से दूरी की क्यूब के समानुपाती होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने पावर के प्रपोर्शन होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं T proportional to r^3/2। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान भी रखना है। तो क्या पढ़ा अपन ने, केपलर के तीन नियम है, तीनों नियम है प्लेनेट्स के मूवमेंट के लिए। फर्स्ट नियम बोलता है कि सन के अराउंड जो प्लेनेट्स है वो मूव करते हैं इलेप्टिकल पाथ में। सेकेंड, प्लेनेट्स के लिए जो एरियल वेलोसिटी है वो रहती है कॉन्स्टेंट। प्लेनेट्स का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो उसकी स्क्वायर प्रोपोर्शन होगी उस प्लेनेट की सन से जो डिस्टेंस है उसकी क्यूब, एवरेज डिस्टेंस की क्यूब के। तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा r^3/2 के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। ये हमने प्लेनेट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं अपन सैटेलाइट्स की। हमें पता है प्लेनेट्स के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे हमने बात की थी कि क्या, जैसे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं वो तो है प्लेनेट्स,
अब किसी प्लैनेट्स के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको अपन बोलते हैं सैटेलाइट्स। जैसे हम एग्जांपल लें तो मून सैटेलाइट है किसका, मून है वो सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ का। हमें इंपॉर्टेंट जो बात यहां करनी है वो बात करनी है इन सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की। किसकी बात करनी है, इन सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, जो सैटेलाइट्स हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है उनकी पृथ्वी की सरफेस से हाइट पर, कि वो पृथ्वी के जो सरफेस है उससे कितनी हाइट पर है। तो जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाती है उतनी ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो रिड्यूस होगी। अगर पृथ्वी से हाइट ज्यादा है तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, तो जो सैटेलाइट्स हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, फर्स्ट थिंग, हाइट पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है हाइट पर, कि कितनी हाइट पर उसको भेजा गया है। अगर हम देखें कि पृथ्वी की सरफेस से सबसे कम दूरी पर जो ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि हाइट बढ़ने पे तो वो वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो मिनिमम हाइट जहां पर वो जाके चक्कर लगाने लग जाते हैं उसके करस्पोंडिंग जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना है, इस वाले फैक्ट को बताने के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है सैटेलाइट्स के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा कि सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी हाइट के साथ डिक्रीज होती है, वो मास पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या है, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो अर्थ के जितना होता है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं इनका टाइम पीरियड जो है रिवॉल्यूशन का वो कितना होता है, 24 घंटे। ये क्या है, इनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पृथ्वी के समान है, कितना है, 24 आवर। और ये पृथ्वी से जो अर्थ है उसकी सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर होते हैं, ये होते हैं 36,000 किलोमीटर। कितने पे होंगे, सैटेलाइट है तो कुछ डिस्टेंस पे इनको स्थापित किया गया होगा, तो और वो डिस्टेंस याद रखनी है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, फर्स्ट कि उनका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो पृथ्वी यानी अर्थ के समान है, सेकेंड इनकी जो पृथ्वी की सरफेस से डिस्टेंस है वो है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करते हैं एक पॉइंट जिसको अपन बोलेंगे स्कैप वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी से किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दी जाए, इतनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि जो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़कर वो बाहर निकल जाए, तो वो कहलाती है स्कैप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है कितनी, जिसको लिखेंगे VE से, जिसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम एक फॉर्मूला देखते हैं, जो VE है वो इक्वल्स टू में होता है √2g × RE। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, √2g RE का मतलब क्या है, जी है यहाँ ग्रेविटी, RE है यहाँ पृथ्वी की रेडियस, और जो हम ऑर्बिटल की बात कर रहे थे वो इक्वल्स टू होता है GRE। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जो स्कैप वेलोसिटी है वो √2 times होती है किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 times ज्यादा होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है मान लो किसी सैटेलाइट की, उसकी जो वेलोसिटी उसको √2 times और बढ़ा देंगे तो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ के वो चला जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम मून की बात करें, एक पॉइंट बता देती हूँ, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में 1/6 है, इसलिए जो वेट पृथ्वी पे अगर हम माने कोई m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट अगर पृथ्वी पे देखें तो वो होगा mg, और वही अगर वो मून पे जाए वही द्रव्यमान
तो वो कितना होगा mgm, मतलब mg by 6, मतलब 1 by 6 रिड्यूस्ड मास फील होता है कहां पर, मून पर। तो हमने ये टॉपिक यहां पर किया फिनिश। हमने पढ़ा कैप्लर का नियम। कैप्लर के जो नियम है वो प्लैनेट्स के मूवमेंट के लिए है। फर्स्ट बताता है कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। हर प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। उनका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसकी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस प्लैनेट की सन से एवरेज डिस्टेंस की क्यूब के। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स वो होते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ का। फिर हमने बताई कि जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हाइट बढ़ने के साथ रिड्यूस होती जाती है। तो मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी हो सकती है सैटेलाइट की 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के समान होता है, लाइक 24 आवर। ये मैक्सिमम हाइट इनकी होती है 36,000 किलोमीटर तक। फिर बात की स्केप वेलोसिटी की। स्केप वेलोसिटी वो होती है कि पृथ्वी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की इतनी वेलोसिटी बढ़ा दें कि वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़कर बाहर चली जाए तो उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। स्केप वेलोसिटी की वैल्यू √2 times मोर देन होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। इसका मतलब है कि अगर कोई सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों तरफ अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और हम अगर उसकी वेलोसिटी को √2 times यानी 41% और बढ़ा देंगे तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर वहां से चला जाएगा। हमने बात की फिर वेट की, मून और अर्थ का कंपैरिजन किया। अगर हम मून पे देखें तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रिड्यूस्ड मास रिड्यूस्ड वेट फील होता है, क्योंकि जो चंद्रमा की ग्रेविटी है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है।